हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान पुंज विथ एसके। तो आज 14 अगस्त है और आज मैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आई हूँ। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं करंट के, वो परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिजोरम के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसने ग्रहण किया है? तो ये जो ग्रहण किए हैं वो बीडी मिश्रा किए हैं। और बीडी मिश्रा कहाँ के इस टाइम के राज्यपाल हैं? तो वो हैं अरुणाचल प्रदेश के। बीडी मिश्रा जो हैं अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं और उनको अतिरिक्त प्रभार जो मिला है वो मिजोरम का मिला है। और यहाँ पर हम लोग ये देख लेते हैं कि मिजोरम के CM कौन है। तो मिजोरम के CM जोरमथंगा हैं। और कैपिटल कहाँ है मिजोरम का? तो आइजोल है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए जम्मू और कश्मीर के किस जिले में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो जो है वो किया गया है डोडा में। तो यहाँ पे डोडा जो हो जाएगा वो आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, किस राज्य की सरकार कोरोना के कारण अनाथ बच्चों को शिक्षा और नौकरी में 1% का आरक्षण देगी? तो ये जो देगी वो महाराष्ट्र सरकार देगी। यहाँ पे शिक्षा और नौकरी में 1% आरक्षण कौन देगा? तो महाराष्ट्र सरकार देगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? तो यहाँ पे पहला वाटर प्लस शहर जो घोषित किया गया है वो इंदौर को किया गया है। इंदौर यहाँ पे सबसे स्वच्छ जगह है, इसलिए यहाँ पे वाटर प्लस में इस शहर को वाटर प्लस में घोषित किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का कौन सा संस्करण 5 सितंबर से कोलकाता में आयोजित होने वाला है? तो ये जो होने वाला है वो है 130वां डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट जो है वो आयोजित होने वाला है। इसमें जो भाग लेने वाले हैं वो देश भर की 16 टीमें भाग लेंगी। डूरंड कप जो है वर्ल्ड का तीसरा और एशिया का सबसे पुराना गेम है। यहाँ पे पहली बार आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो डकसाई में, हिमाचल प्रदेश में, जो डकसाई पड़ता है वहाँ पे हुआ था। इस पुरस्कार का नाम डूरंड कप किसके नाम पे पड़ा था? तो वो पड़ा था मोर्टिमर डूरंड के नाम पे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, कि भारत और किस अन्य देश ने वस्तुत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की है? तो जो समीक्षा की है वो सिंगापुर ने की है। तो यहाँ पे द्विपक्षीय संबंध जो है किसके साथ किया गया है? भारत और सिंगापुर, ये दोनों मतलब द्विपक्षीय पहलुओं की समीक्षा की है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार में हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए कितने नलकूप लगाने की घोषणा की है? तो ये जो है ये 21,000 नलकूप लगाने की घोषणा की है। तो यहाँ पे 21,000 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क किस जिले में विकसित किया जा रहा है? तो ये जो विकसित किया जा रहा है वो जो है गया जिले में विकसित किया जा रहा है। तो यहाँ पे गया जिला आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, कि 9th क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में भारत के किस एयरपोर्ट को भारत तथा मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का पुरस्कार मिला है? तो ये जो पुरस्कार मिला है यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का, वो मिला है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को। और यहाँ पे फर्स्ट हो जाता है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, और सेकेंड जो है वो हो जाता है हैदराबाद एयरपोर्ट। हैदराबाद एयरपोर्ट सेकेंड नंबर पर है और फर्स्ट है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में मोहम्मद मोखबर किस देश के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में नामित किए गए हैं? तो ये नामित किए गए हैं ईरान के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये जो है ये अपना देश भारत हो जाएगा। यहाँ पे इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 की मेज़बानी भारत देश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हाल ही में ITBP ने अपनी पहली महिला अधिकारियों को युद्ध में शामिल किया है, वे कौन हैं? तो जो हैं वो हैं प्रकृति दीक्षा। यहाँ पे प्रकृति दीक्षा जो हैं
ITBP की कंपनी कमांडर हैं। इनको जो है पहली महिला अधिकारी जो कि युद्ध में शामिल होंगी उसमें शामिल किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए RBI ने किसे नियुक्त किया है। तो ये नियुक्त किया है नीरज चोपड़ा को, जो अभी भाला फेंक में गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। इनको जो है इनकी जो नियुक्ति हुई है वो हुई है बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए। और यहाँ पे भाला फेंक दिवस जो है वो 7 अगस्त को मनाया जाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SCO के न्याय मंत्रियों की 8वीं बैठक की अध्यक्षता किसने किया। तो ये जो किए हैं वो किए हैं MK असुरियन। ये कहाँ के हैं, तो ये तजाकिस्तान के कानून मंत्री हैं। और इन्होंने SCO के न्याय मंत्रियों की 8वीं बैठक की अध्यक्षता की है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में चर्चित पुस्तक द अर्थ स्पिनर किसकी रचना है। तो ये रचना है अनुराधा रॉय की। यार द अर्थ स्पिनर किसकी रचना है, तो अनुराधा रॉय की रचना है। अब हम लोग इम्पोर्टेंट GK देख लेते हैं, जिसमें कि आप लोगों को महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं कराऊंगी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं, रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। और इसके लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। तो ये जो किए थे ये विलियम हॉर्वे ने किया था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रक्त का अध्ययन कहलाता है। तो रक्त का जो अध्ययन है वो हेमेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। खून ब्लड के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं डायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, WC का प्रमुख कार्य होता है। तो WC का प्रमुख कार्य जो होता है वो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करना। WC का प्रमुख कार्य है। तो इसमें कुछ स्टैटिक GK भी मैंने ले लिया जो कि इम्पोर्टेंट है।